भैया आराम से, आराम से उठिए। अब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कैसी पागल लड़की हो तुम, ये क्या हरकत की है तुमने? मुझे क्या बोल रही हो, मेरी थोड़ी गलती है। अब तुम्हारा भाई खुद गिर गया, लाइन खाली थी तो मैं आगे आके बिल करवाने लग गई, मेरी क्या गलती है गिर गया तू? वो साइड से हटे नहीं है बल्कि तुमने उन्हें हटाया है। अब इन्हें ऐसी हालत में पब्लिक में लेकर आओगी तो गिरेंगे ही ना। मुंह बंद करो अपना, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने खुद गिराया इन्हें। What the hell? क्या बकवास किए जा रही हो, मैं उन्हें क्यों गिराऊंगी? सही कह रही हो बहन, मुझे भी ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने मेरे वॉकर को गिराया। अपने लंगड़ेपन होने का ना नाजायज फायदा मत उठा, ज्यादा सिंपैथी गेन करने की जरूरत नहीं है। तुझे बिल करवाना ना, बिल करवा ले, लेकिन मुझ पे फालतू इल्जाम मत लगाओ यहाँ पर खड़े होके। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हरकत तुमने की है ना, ये बहुत गलत हरकत थी। हाँ तो की है गलती, तुम्हारे भाई की वजह से ना ऑलरेडी 10-15 मिनट वेस्ट हो चुके हैं मेरे, क्योंकि इतनी धीरे धीरे चल रहा था कि मैं भी सामान लेने में लेट हो गई। अब बिल काउंटर पे भी इतनी धीरे धीरे वॉक कर रहा है, पूरा टाइम नहीं है ना मेरे पास, पूरा दिन नहीं है बिल करवाने के लिए, इसलिए ऐसे धक्का मारा मैंने। मैडम सब्र नाम की भी कोई चीज होती है ना? मुझ में कोई सब्र नाम की चीज नहीं है, ठीक है? बड़ी बेशरम लड़की हो तुम जानती भी हो ये कौन है? कौन है? देश का प्रधानमंत्री है क्या? नहीं, हमारे देश के रिटायर्ड फौजी हैं, और आज इनकी ये जो हालत है ना, वो भी सरहद पर जंग लड़ते हुए हुई है। एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही हो जैसे आज भी ये फौजी है। आज के टाइम में ना ये बेबस और लाचार आदमी है बस। अगर इतना ही दिख रहा है कि लाचार और बेबस है, तो कम से कम इंसानियत के नाते तो ऐसी हरकत ना करती। What the hell? तो मुझे यहाँ खड़े होकर ना ज्ञान मत दो, तुम्हें बिल करवाना बिल करा लो, मुझे यहाँ से कुछ चाहिए ही नहीं है। और आगे से पब्लिक में लेके ऐसे मत घूमना, वरना ऐसे ही गिरते रहेंगे ये। टाइम वेस्ट करके रख दिया मेरा। उस लड़की का तो एक्सीडेंट हो गया, हमें चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ भैया आइए। अरे संभल के, आराम से, तुम्हारा पैर, आराम से, बिल्कुल आराम से निकालो। अरे अरे तुम, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज। तुम्हें तो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, और मैं तुम्हारी स्कूटी पर तुम्हें हॉस्पिटल ले। नहीं नहीं स्कूटी पे नहीं, स्कूटी के ब्रेक्स फेल हो गए, इसलिए इस पेड़ से टकरा के मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मैं तुम्हें बाहर वाले रोड तक कैसे लेकर जाऊंगी? ऑटो भी बाहर वाले रोड पर ही मिलते हैं। तुम ये लो, मेरी वॉकर की मदद से इसे बाहर मेन रोड पर छोड़ कर आओ, वहाँ से ऑटो लेकर इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। पर भैया आप, मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ। कितने अच्छे इंसान है, मैंने उस दिन आपके साथ इतनी बदसलूकी की और आप मेरी मदद कर रहे हो। कोई बात नहीं, लोग इंसानों को इंसान नहीं समझते, वो ये नहीं समझते कि हमें लोगों की लाचारी और बेबसी के ऊपर कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता कल को वही हमारी मदद कर दे। वो कहते हैं ना, किसी के बुरे वक्त पे उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। क्या पता जिसके ऊपर हम हंस रहे हैं कल को वही हमारा साथ दे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, I'm very sorry, मैंने आप दोनों के साथ उस दिन बहुत बदसलूकी की, मुझे माफ कर दो। मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैंने आपकी लाचारी का मजाक बनाया और देखो आज उसी लाचारी की मैं शिकार हो गई। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। तुम जल्दी से इसको लेकर जाओ हॉस्पिटल, जाओ। ठीक है भैया, आराम से। भैया आप अपना ध्यान रखना, मैं आती हूँ। जाओ जाओ। दोस्तों वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, और जो हम कर्म करते हैं वो एक ना एक दिन लौट कर हमारे सामने जरूर आता है। तो कभी भी किसी लाचार या बेबस इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो में दिया हुआ मैसेज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।